ईयर 3B रिटर्न का बहुत डिमांड आई इस रिटर्न की कि ये ऑनलाइन कैसे फाइल होगी। ये फाइनली आपकी GST की पहली रिटर्न है जो अगस्त महीने में 20 तारीख तक फाइल होगी। तो अभी से फटाफट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप gst.gov.in पे जाएं। अब यहां लॉगिन पे क्लिक करें। अब यहां आप अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपकी कंपनी का डैशबोर्ड खुल जाएगा। फिर आप यहां कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करें। यहां आपको आपका लेजर बैलेंस दिख रहा होगा। यहां से आप ऊपर सर्विसेज पे क्लिक करें। क्लिक करते ही यहां आपको रिटर्न्स दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर उसके अंदर रिटर्न्स डैशबोर्ड पे क्लिक करें। अब यहां पर 2 मंथ की रिटर्न फाइलिंग का पीरियड शो कर रहा होगा, जुलाई और अगस्त। तो आपको क्योंकि जुलाई मंथ के रिटर्न भरनी है जो 20 अगस्त तक आ जाएगी, इसलिए आप यहां जुलाई सेलेक्ट करें। जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे वहां मंथली रिटर्न GSTR 3B दिखना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा GSTR 1 और GSTR 2 पहले से दिख रहा होगा। GSTR 1 कैसे भरा जाएगा वो मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में समझा चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब GSTR 3B के नीचे प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहां आपको 5 एक्टिव कॉलम और 2 इनएक्टिव कॉलम दिख रहे होंगे। सबसे पहले 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, मतलब यहां पर आप वो डिटेल्स भरेंगे जितना आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है या फिर आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लायबल हैं, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहां आपको 5 हेडिंग्स दिख रही होंगी, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज ब्रैकेट में अदर देन 0 रेटेड, निल रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। दूसरा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज 0 रेटेड। तीसरा अदर आउटवर्ड सप्लाईज निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड। चौथा इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच पर्सन इज लाइबल टू पे ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। पांचवा नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज। अब एक एक का मतलब समझते हैं। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन 0 रेटेड, निल रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, मतलब अगर आप जिन गुड्स में डील कर रहे हैं वो टैक्सेबल हैं, यानी किसी रेट में फॉल कर रहे हैं जैसे 5% या 12% या 18% या 28%, तो आपको इनकी डिटेल्स यहां भरनी है। अगर आपके गुड 0 रेटेड हैं या निल रेटेड हैं या एग्जेम्प्टेड हैं, उनकी डिटेल्स यहां नहीं आएंगी। अगर 0 रेटेड गुड्स हैं तो वो आप पॉइंट नंबर 2 में भरोगे जो कि अदर टैक्सेबल सप्लाई 0 रेटेड। ऐसे ही अगर आप किसी गुड्स में डील कर रहे हैं जो निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड हैं, वो आप पॉइंट नंबर सी में भरोगे, यानी अदर आउटवर्ड सप्लाईज निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड। यहां आप देखेंगे कि इन्होंने टैक्स डालने का कॉलम ही नहीं रखा क्योंकि गुड्स ही निल रेटेड है, तो यहां सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में ही फिगर भरेंगे। इसके अलावा जितनी वैल्यू ऑफ सर्विस पे आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना है उतने अमाउंट की वैल्यू पॉइंट डी में भरेंगे। और अगर आपके गुड्स ऐसे हैं जिसमें GST एप्लीकेबल ही नहीं है, उन गुड्स के बारे में आप पॉइंट ई में भरोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जो GST के स्कोप से बाहर है, जैसे अल्कोहल या पेट्रोल हो गया, तो वो नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज कहे जाएंगे क्योंकि वो आज भी GST के स्कोप से बाहर है, तो उतने गुड्स की वैल्यू पॉइंट ई में आ जाएगी। अब यहां आप देखेंगे 5 कॉलम्स हैं, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट या यूटी टैक्स और सेस। तो यहां आपको वो कॉलम्स फिल करने हैं जो आप पर एप्लीकेबल हैं। जैसे अगर आपने सारे गुड्स इंटर स्टेट बेचे हैं तो सिर्फ इंटीग्रेटेड गुड्स के टैक्स का कॉलम भरा जाएगा। जितना टैक्स आपने विद इन द स्टेट भरा है उतना सेंट्रल टैक्स में भर देंगे और ऐसे ही स्टेट टैक्स का कॉलम। और अगर कुछ गुड्स इंटर स्टेट में डील करें और कुछ विद इन द स्टेट में, तो इंटीग्रेटेड टैक्स का ग्रॉस टोटल IGST वाले कॉलम में फिल हो जाएगा और बाकी CGST SGST में। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, CGST और SGST का टोटल बराबर रहना चाहिए। इसके अलावा टोटल टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में आपको टैक्स चार्ज करने से पहले की वैल्यू का टोटल लिखना है। अगर आप 0 रेटेड गुड्स में डील कर रहे हैं तो 0 रेटेड गुड्स की टोटल टैक्सेबल वैल्यू में आप पूरे जुलाई की 0 रेटेड सेल्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसमें आप देखेंगे कि एक सेस का कॉलम भी है। ये कॉलम में आपको फिगर तभी भरनी है जब आपके गुड्स जिन पे आप डील कर रहे हैं उस पे सेस एप्लीकेबल है। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स पे कहा है कि GST के साथ उन पे सेस भी लगेगा, जैसे टोबैको प्रोडक्ट या फिर पान मसाला। तो अगर आप ऐसे किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो सेस भी चार्ज करना पड़ेगा आपको। जब आप ये सारी डिटेल्स भर देंगे तो कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब अगला चलते हैं।
नेक्स्ट है इंटर स्टेट सप्लाईज, यानी इसमें आपको वो डिटेल्स भरनी है जहां आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं और किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को सप्लाई कर रहे हो। मतलब दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन वो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन वो ट्रांजैक्शन किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को ही होनी चाहिए। तो यहां तीन कॉलम है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहां आप उस सप्लाई की टोटल टैक्सेबल वैल्यू की फिगर यहां भरोगे। इसी कॉलम में दूसरा हेड भी है, सप्लाई इज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस। मतलब अगर आप किसी ऐसी पार्टी को सप्लाई करते हो जिसने कंपोजिशन स्कीम अवेल कर रखी है, उसकी डिटेल्स यहां पर आएंगी। इसी कॉलम में दूसरा हेड भी है, सप्लाई इज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस। मतलब अगर आप किसी ऐसी पार्टी को सप्लाई करते हो जिसने कंपोजिशन स्कीम अवेल कर रखी है, उसकी डिटेल्स यहां पर आएंगी। इसमें फिर वही तीन कॉलम, यही ये सेम वही कॉलम है जो अभी डिस्कस किए थे। ऐसे ही तीसरा हेड, यानी सप्लाई इज मेड टू UIN होल्डर्स। UIN माने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा कि उसने कुछ एजेंसीज को या गवर्नमेंट सेक्टर या डिपार्टमेंट्स को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू कर दिया, जैसे एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या कोई और पर्सन जिसकी जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो अगर आप इनमें से किसी को सप्लाई करते हो जिनके पास UIN नंबर है, उसकी डिटेल्स यहां पर आएंगी। इसमें फिर यही तीन कॉलम है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये इन्फॉर्मेशन फिल करके आप नीचे कन्फर्म पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ें। अब अगले हेड पे चलते हैं, एलिजिबल ITC। यहाँ पर आपने जो गुड्स परचेज किए हुए हैं उस पर जो टैक्स पे कर रखा है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि परचेज बिल आपकी फर्म या कंपनी के नाम से ही होना चाहिए और उस पर आपका GST नंबर लिखा होना चाहिए। अब यहाँ आप देखेंगे अलग अलग हेडिंग्स दे रखी है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब जैसे इम्पोर्ट के केस में जब बाहर से गुड्स इंडिया आते हैं तो उस पर CVD की जगह अब IGST लगता है। तो अगर आपको अपने बिजनेस में उसका क्रेडिट लेना है तो यहाँ आपको उसकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ उन्होंने सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स का कॉलम ही हाईलाइट किया है, बाकी CGST और SGST के कॉलम को इनएक्टिव कर रखा है। अब अगली हेडिंग, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। यानी रिवर्स चार्ज के केस में इनवॉइस आप इशू करोगे तो नेचुरल सी बात है कि आप उस पर फिर टैक्स भी चार्ज करोगे, तो उस इनवॉइस पे टैक्स का जो क्रेडिट लोगे उसकी डिटेल्स यहाँ आएगी। अब अगर वो पार्टी दूसरे स्टेट की है तो आप रिवर्स चार्ज में IGST का टैक्स चार्ज करोगे और उसका क्रेडिट लोगे, और अगर विद इन द स्टेट की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस पर CGST और SGST चार्ज करोगे। ऐसे ही अगर आपको किसी ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके टैक्स की डिटेल्स यहाँ पर आएगी, ताकि आप क्रेडिट ले सको। इसके अलावा अगर कोई ऐसी आइटम है जो इन हेडिंग्स में कवर नहीं की गई है तो वो ऑल अदर ITC में कवर होगी। इसके बाद ITC रिवर्स्ड, यानी अगर किसी पार्टी से आपने गुड्स परचेज किए और उस पर आपने टैक्स पे कर दिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया, बाद में किसी वजह से वो गुड्स आपने वापस कर दिए, तो उन गुड्स पे जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया था वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऐसे कितने गुड्स हैं जिसमें आपने पहले ITC ले लिया और बाद में रिवर्स कर दिया, उनके टैक्स के अमाउंट यहाँ आएंगे, इंटर स्टेट में IGST वाले कॉलम में और बाकी CGST और SGST में। बाकी अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो रहे क्रेडिट लेने के तो उसकी डिटेल्स यहाँ आएंगी, इन एलिजिबल ITC में। इस पार्ट को कन्फर्म करके आगे बढ़ें। अब अगला है एग्जेम्प्ट, नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज। इस पर क्लिक कीजिए। ये क्या कहता है कि अगर आपने कोई गुड्स किसी सप्लायर से परचेज की है जिसने कंपोजिशन स्कीम अवेल की हुई है, या फिर आप जिसे गुड्स खरीद रहे हो उसके गुड्स या तो एग्जेम्प्ट हैं या नील रेटेड हैं, वो गुड्स की वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। अब इस वैल्यू में जो गुड्स आपने दूसरे स्टेट से खरीदे हैं उतने गुड्स की वैल्यू आप इंटर स्टेट सप्लाईज में लिखेंगे, और जो गुड्स आपने विद इन द स्टेट खरीदे हैं उतने गुड्स की वैल्यू आप इंट्रास्टेट सप्लाईज में लिखेंगे। ऐसे ही आपने किसी से गुड्स खरीदे जो GST लॉ में फॉल ही नहीं करता, जैसे आपने ऐसे सप्लायर से खरीदा जो पेट्रोल या फिर अल्कोहल में डील करता है, वो गुड्स की वैल्यू यहाँ आएगी, दूसरे स्टेट की वैल्यू इंटरस्टेट सप्लाईज में आएगी और विद इन द स्टेट की इंट्रास्टेट सप्लाईज में आएगी। इस शीट को भी कन्फर्म करके आगे बढ़ें। इंटरेस्ट और लेट फी पेबल। इस शीट में आपको वो डिटेल्स लिखनी है जहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है रिवर्स चार्ज में, तो अलग अलग कॉलम में जो आप पर एप्लीकेबल है उनकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। इंटर स्टेट के केस में IGST में भरा जाएगा
और इंट्रा स्टेट के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी में भरा जाएगा। बाकी लेट फीस का कॉलम अभी इनएक्टिव है क्योंकि ये पहली बार जीएसटी की रिटर्न जाएगी 20 अगस्त को, तो अभी तो लेट होने का सवाल ही नहीं होता। अगर इसमें कोई डिटेल्स आप पर एप्लीकेबल है तो इन्हें भरकर आप इस शीट को कन्फर्म करें। अब यहाँ दो हेडिंग्स यहाँ इनएक्टिव है, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स या टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट। ये हेडिंग्स बाद में गवर्नमेंट एक्टिव करेगी। ये सारी डिटेल्स फिल करके आप इन डिटेल्स को यहाँ सेव जीएसटी और 3B पे क्लिक करके सेव करें ताकि आपको फिर से भरने की जरूरत ना हो। तो ये थी छोटी सी डिटेल जीएसटी और 3B के बारे में। यह आज के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 20 अगस्त तक इसकी पहली रिटर्न जाएगी।